और शिरीनी को न फेंके छतों के ऊपर से। मौलाना नूर अहमद साहब ने करी है अपील कि कल जुलूस के टाइम शिरीनी को छतों पर से न फेंके। हम सुनवाते हैं आपको। ये हमारा ये पैगाम है कि हम हाथ जोड़ के लोगों से गुजारिश करते हैं कि जो लोग शीरीनी बांटते हैं वो खुदा के वास्ते शीरीनी को ऊपर से ना फेंकें, ताकि वो बेहरमती होती है, पैरों नीचे आती है। आप नीचे पॉइंटर लगा के जिस तरीके से बांट पाए उस तरीके से बांटें, और उसमें तहरी होती है। कोई केले फेंकते हैं उसमें लोगों के कपड़े ख़राब होते हैं, और ये चीज़ अच्छी नहीं है। हमारा इस्लाम के लिए इजाज़त नहीं देता है। आप जैसे ही हो सके उसको नीचे से बांटने की कोशिश करें, ये हमारी आप लोगों से अपील है। हम आने वाले हैं, ये सुन ले जमाने वाले, साथ लौटाएंगे खुद हमको मिटाने वाले। या अली कहकर गुजर जाते हैं तूफानों से, हम हजरत अब्बास का परचम उठाने वाले हैं। अब्बास का परचम उठाने वाले हैं। वादे तौहीद के मतवालों, शमे रिसालत के परवानों, औलियाए उम्मत के दीवानों, कुरान करीम के फिदाकारों, शोदाए मिल्लत के तलबगारों, अनीसे बेकसा, चारा साजे दर्दमंदा, वकारे दो जहां। रसूलों के रसूल, पैगंबरों के पैगंबर, यानी नूर सरवरे कायनात, जिनके सदके हमको आंखें मिली, जिनके सदके हमें कान मिले, जिनके सदके हमें लब मिले, जिनके सदके हमें पूरा वजूद बख्शा, जिनके सदके पूरी कायनात का वजूद हुआ। अल्लाह फरमाता है, खालिके कायनात, जब्बारों का हार, सत्तारों का फार, यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है, इस दुनिया में को पैदा ना करता। हमको देखने के लिए आंखें मिली, नबी का सदका है। चलने के लिए पैर मिले, नबी का सदका है। काम करने के लिए हाथ मिले, नबी का सदका है। बोलने के लिए जबान मिली, मुंह मिला, नबी का सदका है। हमारी समझ में आ गया, अंत
आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आप कोई भी नई वीडियो का अपडेट मिस ना